हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को मैं कितने सीरियसली ले रहा हूँ। सो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जो शायद नॉर्मली आपको दूसरे चैनल्स पर देखने को नहीं मिलेगा। हम ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ अटेंशन, वो पढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक ये समझ लिया है कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जो सेल्फ अटेंशन होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, वो काम कैसे करता है, ये हमने सीख लिया है। बट अब इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। मैं आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देने वाला हूं सेल्फ अटेंशन का, कि मैथमेटिकली स्पीकिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स होता क्या है जब आप सेल्फ अटेंशन अप्लाई करते हो किसी वर्ड के ऊपर, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑनेस्टली ये वीडियो भी एक ऐसा टॉपिक के ऊपर है जो शायद हम स्किप कर सकते थे, बट मैंने बहुत दिल पे ले रखा है ट्रांसफॉर्मर्स के टॉपिक को। मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मर्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट आज के डे एंड एज में, तो हमें बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मर्स को समझना है। एंड दैट इज वाई मैं कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना चाहता, दैट इज वाई ये वीडियो मैंने बनाया है। बाकी आप वीडियो देखो और खुद डिसाइड करो कि ये चीज आपको यूजफुल लगी या फिर हमने टाइम वेस्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देने के पहले एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले दो वीडियोस में क्या पढ़ा। पिछले दो वीडियोस में हमने सेल्फ अटेंशन का पूरा फॉर्मुलेशन देखा, ठीक है। मैं उसका आपको एक क्विक समरी देता हूँ, एक विजुअल समरी देता हूँ। सो मान लो हमारे पास ये दो वर्ड्स का एक सेंटेंस है, मनी बैंक, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर सेल्फ अटेंशन अप्लाई करना है, राइट। अब सेल्फ अटेंशन अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको इन दोनों वर्ड्स का एम्बेडिंग चाहिए, एम्बेडिंग वेक्टर। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये येलो बॉक्स मनी वर्ड का एम्बेडिंग वेक्टर है और ये वाला येलो बॉक्स बैंक वर्ड का एम्बेडिंग वेक्टर है। इसके बाद क्या होता है कि आपको तीन मेट्रिसेस चाहिए होते हैं, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के एंड डब्ल्यू वी। मैंने इन तीनों मैट्रिसेस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, आई रियली होप आपको याद है। फिर आप क्या करते हो, अपने इस मनी वाले एम्बेडिंग वेक्टर को उठाते हो और उसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों मैट्रिसेस के साथ करते हो। इससे मुझे तीन नए वेक्टर्स मिलते हैं, क्यू मनी, के मनी एंड वी मनी। और फिर ये सेम काम आप रिपीट करते हो एम्बेडिंग वेक्टर ऑफ द बैंक के साथ। सो आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हो, फिर इसके साथ करते हो, फिर इसके साथ करते हो, और इससे फिर से आपको तीन वेक्टर्स मिलते हैं, क्यू बैंक, के बैंक एंड वी बैंक। ये शायद आपको याद होगा। अब हमें क्या करना है, इन छह वेक्टर्स को यूज करके दो नए वेक्टर्स बनाने हैं। एक होगा वाई मनी, विच इज द कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग ऑफ द वर्ड मनी, और एक होगा वाई बैंक, विच इज द कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग ऑफ द वर्ड बैंक। अब ये बनेगा कैसे, ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, क्यू मनी का के मनी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर क्यू मनी का के बैंक के साथ कर रहे हो। आपको ये दोनों सिमिलैरिटी स्कोर्स मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सिमिलैरिटी स्कोर्स को स्केल करना है बाय द फैक्टर ऑफ रूट ओवर ऑफ डी के। डी के इज द डायमेंशनैलिटी ऑफ दिस के वैक्टर, कितना डायमेंशन का। उससे आपको नए सिमिलैरिटी स्कोर्स मिल गए। अब आपको इन सिमिलैरिटी स्कोर्स को नॉर्मलाइज करना है, तो आपने सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, इससे आपको आपके वेट्स मिल गए और इन्हीं वेट्स को आप वैल्यू वेक्टर्स के साथ वेटेड सम कर रहे हो, जिससे आपको वाई मनी मिल रहा है। और ये सेम प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो फॉर द वर्ड बैंक, जिससे आपको वाई बैंक मिल रहा है। तो दिस इज द क्विक विजुअल रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट टू वीडियोस। आई रियली होप आपको ये सेटअप पूरा याद है। अब मुझे क्या करना है कि इस वीडियो में मुझे आपको दिखाना है कि ये जो पूरी चीज हमने यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बना रखी है, इसके पीछे मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली हो क्या रहा है, सो दैट आपके दिमाग में एक बहुत क्लियर विजुअल पिक्चर आ जाए। अब ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझाने के पहले मैं आपको एक बहुत कूल चीज दिखाता हूँ। सो ये एक विजुअलाइजेशन है जहाँ पे वर्ड टू वेक जो हमारी वर्ड एम्बेडिंग्स होती हैं उनका विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो।
विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स लाइक PCA या फिर UMAP, बेसिकली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर रहे हैं, बिकॉज ओरिजिनली ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एम्बेडिंग्स 200 डायमेंशन की हैं, ऑब्वियसली वी कैन नॉट प्लॉट 200 डायमेंशनल डेटा, तो हम PCA के थ्रू उसको 2D में लेके आ रहे हैं, PC1 PC2, और उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये जो आपके स्क्रीन पे सारे के सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली वर्ड्स, और वर्ड्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर हो पा रहा है, बिकॉज दैट इज वॉट वर्ड टू वेक डज. तो अगर आप इसमें थोड़ा सा होवर करोगे तो जैसे यहाँ पे देखो, क्लोराइड इज द वर्ड जो यहाँ पर टॉप में है, उसके बगल में मैग्नीशियम है, सोडियम है, ऑक्साइड है, तो यू कैन सी सिमिलर सिमेंटिक मीनिंग वाले वर्ड साथ में आ गए. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आओ, इंडीड, रिगार्ड, देयर, कॉन्सिक्वेंटली, प्रैक्टिस, ऑल दो, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आप बहुत फॉर्मल सेटिंग में यूज करते हो. वेयर एज अगर आप यहाँ पे आ जाओ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस प्रॉपर्टीज, जो भी है, दिस इज अ वेरी कूल विजुअलाइजेशन. मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी एम्बेडिंग्स को एक 2D स्पेस में वेक्टर की तरह इमेजिन कर सकते हो. दीज आर वेक्टर्स, ठीक है? तो इसी जगह से मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूंगा. हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये सेंटेंस है, मनी बैंक, और हमें इसके ऊपर सेल्फ अटेंशन लगाना है. तो स्टेप बाय स्टेप ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप अपने दोनों वर्ड्स का एम्बेडिंग निकालते हो विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक लाइक वर्ड टू वेक, राइट? अब वर्ड टू वेक हो सकता है 200 डायमेंशन का हो, 256 डायमेंशन का हो. हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये जो दोनों के दोनों एम्बेडिंग वैल्यूज हैं ये 2D हैं, सो दैट हम विजुलाइज कर पाए. तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ई मनी है आपका, लेट्स से 2.7, और ई बैंक है आपका 7.3, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, और 9.3, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल ग्राफ के ऊपर इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, एंड यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकेंड वैल्यू. बस मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया तो ये वेक्टर की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो यू कैन सी मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ई बैंक और ई मनी, ठीक है? तो हम ये स्टेप पे हैं, हम हर स्टेप को विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें चाहिए हैं WQ, WK और WV. तो ये भी मैंने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिए वैल्यूज. ऑब्वियसली ये वैल्यूज आपको मिलती हैं ट्रेनिंग के बाद, तो हम तो कोई ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम वैल्यूज अज्यूम कर ले रहे हैं. यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ऑल वैल्यूज आर हाइपोथेटिकल, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज आर 2x2 मेट्रिसेस. अभी तक का सेटअप आप समझ सकते हो, हमारे एम्बेडिंग वेक्टर्स 2 डायमेंशन के हैं और हमारे ये सारे वेक्टर्स भी, हम सारे मेट्रिसेस भी 2x2 हैं, ठीक है? अब मैंने जैसा आपको बोला था कि आप क्या करोगे, सबसे पहले मनी वाले इस एम्बेडिंग वेक्टर को उठाओगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप WQ के साथ, WK के साथ और WV के साथ, जिससे आपको ये 3 नए वेक्टर्स मिलते हैं. अब अगर आपने मेट्रिसेस पढ़ा होगा मेरे से, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि एक वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो एक मैट्रिक्स के साथ, तो एसेंशियली होता क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. बेसिकली एक वेक्टर के ऊपर जैसे आप एक मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, वेक्टर उठ के कहीं और चला जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो यहां पर हम 3 अलग मैट्रिसेस के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक सिंगल वेक्टर से हम 3 न्यू वेक्टर्स बना रहे हैं, और वही आपको इस सेकेंड डायग्राम में दिखाई देगा. सो हमने क्या किया, इस वेक्टर को पकड़ा और इसको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से डॉट प्रोडक्ट कराया, तो हमें मिला ये वेक्टर, दिस ग्रीन वन, ठीक है? फिर हमने इस वेक्टर को उठाया और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराया, तो उससे हमें मिला ये वेक्टर, ठीक है? फिर हमने सेम वेक्टर को लिया और जब इससे डॉट प्रोडक्ट कराया तो उससे हमें मिला ये वेक्टर,
ठीक है, सो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, के मनी, क्यू मनी, वी मनी हमने अचीव कर लिया। अब ये सेम काम हम रिपीट करेंगे ई बैंक के साथ। तो हमने ई बैंक का डॉट प्रोडक्ट कराया, इसके साथ हमें मिल गया क्यू बैंक, ये वाला वेक्टर। फिर हमने फिर से इसका उठा करके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराया, तो हमें मिल गया के बैंक, ये वाला वेक्टर। और फिर से इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कराया, तो हमें मिल गया वी बैंक, ये वाला वेक्टर। सो एसेंशियली ये जो स्टेप हमने किया था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पर है, जहां हमने दो एम्बेडिंग वेक्टर्स के साथ शुरुआत की थी। अब हमारे पास छह वेक्टर्स आ चुके हैं, और अब आगे का जो काम होगा हम इन छह वेक्टर्स को यूज करके करेंगे। तो अब हम लोग अपने वर्क फ्लो में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरा प्रोसेस दो बार करना है। सिंस हमारे पास दो वर्ड्स हैं तो हमें दो बार करना पड़ेगा, और एक बार हमें वाई मनी मिलेगा, एक बार हमें वाई बैंक मिलेगा। मैं आपको ये दूसरे वाला करके दिखाने वाला हूँ, पहला वाला आप खुद से इमेजिन कर सकते हो। इट्स बेसिकली द सेम, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। मैंने जो भी डायग्राम्स इमेजिन किए थे वो दूसरे वाले को लेके किए थे, दैट्स इट, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो मैं बैंक वर्ड का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग बनाऊंगा। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज द सेटअप। मैंने अपने सारे के सारे जो छह वेक्टर्स हैं उनको मैं यहां ले आया, एंड दिस इज द सेम सेटअप, सेम फ्लो, जहां पे हम बैंक का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिंस बैंक वर्ड का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग जनरेट करना है, आपको बैंक का सिमिलैरिटी निकालना है दोनों वर्ड्स के साथ। ठीक है, आपको मनी के साथ भी सिमिलैरिटी निकालना है, आपको बैंक के साथ भी सिमिलैरिटी निकालना है। तो आपको क्यू बैंक को लेना है, के मनी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, और क्यू बैंक को लेना है, के बैंक के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको क्यू बैंक को लेना है दिस वेक्टर, एंड यू हैव टू डॉट प्रोडक्ट विथ दिस वेक्टर। आप ये सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब सिंस देख के समझ में आ रहा है कि एंगुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो डॉट प्रोडक्ट आपका कम होगा, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट इज 10। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, क्यू बैंक का के बैंक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो यू कैन सी सिंस द एंगुलर डिस्टेंस इज नॉट मच, तो ये डॉट प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, तो हमने मान लिया कि वो 32 के बराबर है। तो बेसिकली हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये रही वो दोनों वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज हाइपोथेटिकल है बाय द वे, मतलब सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बस विजुअली आपके दिमाग में आइडिया डालना चाह रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है, 1/√ ओवर ऑफ dk से। यहाँ पे dk 2 है, तो मुझे 1/√ ओवर ऑफ 2 से डिवाइड करना है, राइट? तो मैंने क्या किया, 10 को √ओवर ऑफ 2 से कर दिया, जिससे मुझे 7.09 मिल गया, और फिर मुझे 32 को भी √ओवर ऑफ 2 से करना था, जिससे मुझे 22.69 मिल गया। तो ये वाला काम भी हो चुका है, ये S21 डैश और S22 डैश मिल चुका है मुझे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है यूजिंग सॉफ्ट मैक्स। तो मैंने सॉफ्ट मैक्स में इन दोनों वैल्यूज को डाला, और मान लेते हैं सिंस ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, तो मान लेते हैं कि इसको मिला 0.2 का वेटेज और इसको मिला 0.8 का वेटेज, और ऑब्वियसली दोनों को जोड़ के हमें 1 मिलना चाहिए। तो हमारे पास अब W21 आ चुका है और हमारे पास W22 आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ अब वी कैन से कि हमें इन चारों वेक्टर्स का काम नहीं है, के मनी और क्यू मनी, के बैंक और क्यू बैंक, इनका काम हो गया। अब सिर्फ काम है हमें वी मनी से और वी बैंक से। ठीक है, सो ये रहा गाइस हमारा सेटअप, हमारे पास बचा है सिर्फ वी मनी और वी बैंक, और हम लोग अब इस स्टेप में हैं। अब ये स्टेप एक कॉम्पोजिट स्टेप है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम W21 को ले रहे हैं। W21 क्या है, 0.2, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी मनी के साथ। अभी ये स्केलर है
और ये एक वेक्टर है, तो वी आर डूइंग अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इन अ वे वी आर स्केलिंग द वेक्टर, ठीक है। और सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग 0.8 टाइम्स वी बैंक निकाल रहे हैं, अगेन वी आर डूइंग अ स्केलिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने सेम ऑपरेशन यहाँ पे दिखाया है। सो ये रहा वी मनी, हमें इसको स्केल डाउन करना है टू इट्स 0.2 वैल्यू, 1/5 लेके आना है। तो ये देखो, ये जो ऑरेंज वेक्टर है ना, दिस इज नथिंग बट 0.2 टाइम्स द वी मनी वेक्टर, ये वाला, ठीक है। और सिमिलरली मैंने बैंक वाले वेक्टर को भी स्केल कर दिया, और ये जो ऑरेंज वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 0.8 ऑफ वी बैंक। अब हमें क्या करना है कि ये जो दो ऑरेंज वेक्टर्स हैं, हमें इन दोनों के बीच वेक्टर एडिशन करवाना है, ठीक है। तो मैंने ये नीचे डायग्राम बना रखा है, जहाँ पर मैंने सिर्फ ये ऑरेंज वाले वेक्टर्स ही रखे हैं। ये रहा हमारा पहला ऑरेंज वेक्टर और ये रहा हमारा दूसरा ऑरेंज वेक्टर। अब शायद आपको पता होगा कि आप वेक्टर एडिशन करते कैसे हो। तो वेक्टर एडिशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर यू गो विद द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लेट्स से हम पैरेललोग्राम वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो इसका पैरेलल हमने यहाँ पर एक वेक्टर बना दिया और इसके पैरेलल में यहाँ पर हमने एक वेक्टर बना दिया। तो ये इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज एन एरो। ये जो निकल के आ रहा है ये हमारा एक्चुअली रिजल्टेंट होगा। मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ एक बार। यू कैन सी दिस इज द वेक्टर और ये जो वेक्टर है ना यही है आपका वाई बैंक, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ विद द ओरिजिनल एम्बेडिंग वेक्टर्स। सो ये रहे मेरे ओरिजिनल एम्बेडिंग वेक्टर्स। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और साइड बाय साइड यहाँ पे प्लॉट कर लूँ तो आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है मेरा ई बैंक जो मेरा एम्बेडिंग वेक्टर ऑफ बैंक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वाई बैंक, ठीक है। अगर मैं इसको साथ में कहीं ड्रॉ करता, अगर हम ये एंगल पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो इट सीम्स लाइक बहुत ही क्लोज इस जगह पे कहीं पे आ गया, दिस इज वाई बैंक, ठीक है। एंड दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ सेल्फ अटेंशन, राइट। जब हमने मनी बैंक के एम्बेडिंग वेक्टर से स्टार्ट किया था तो बैंक का जो एम्बेडिंग वेक्टर था वो मनी के एम्बेडिंग वेक्टर से काफी दूर में था, बट जैसे ही हमने सेल्फ अटेंशन अप्लाई किया एटलीस्ट इस बैंक के एम्बेडिंग वेक्टर के ऊपर, तो हमें जो नया कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वेक्टर मिला बैंक का वो मनी के काफी पास चला गया, ठीक है। एंड यही हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि सेल्फ अटेंशन क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, मतलब कोई वर्ड किस दूसरे वर्ड के साथ यूज हो रहा है उसके बेसिस पे एम्बेडिंग्स जनरेट करता है। तो इन अ वे अगर आप बोलो तो यू कैन से दैट सेल्फ अटेंशन एक्ट्स लाइक ग्रेविटी। इन अ वे मनी वर्ड ने बैंक वाले वर्ड को अपनी तरफ पुल किया, राइट। अब बेस्ट बात क्या है कि कल को अगर मैं मनी बैंक के बदले रिवर बैंक रखूं और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रिवर बैंक में रिवर यहाँ पे होता, ये रिवर का एम्बेडिंग होता, बैंक का तो एम्बेडिंग यही होता जो यहाँ पर है, तो हो सकता था कि सेल्फ अटेंशन अप्लाई करने के बाद वाई बैंक यहाँ पे आता इस जगह पे, यहाँ पे ना आके यहाँ पे आता, बिकॉज सेल्फ अटेंशन इज कॉन्टेक्स्ट अवेयर। वो ये समझता है कि आपका करेंट वर्ड बैंक किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, क्या वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है या फिर वो रिवर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, ठीक है। तो आई रियली होप मैं आपको ये जो लार्जर पॉइंट है वो समझा पाया कि आप क्यों सेल्फ अटेंशन यूज करते हो, बिकॉज सेल्फ अटेंशन के पास ये पावर है कि वो एक पर्टिकुलर वर्ड को
रिप्रेजेंट कर पाता है इन टर्म्स ऑफ अदर वर्ड्स जो सेंटेंस में अवेलेबल है, ठीक है। और ये पूरी चीज एक तरीके से ग्रेविटी की तरह काम करती है, जैसे मनी ने पुल किया है बैंक को अपनी तरफ, सिमिलरली बैंक भी मनी को पुल करेगा अपनी तरफ। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब कुछ हो रहा है आपके डेटा सेट के बेसिस पे, आपके डेटा सेट में जो भी पैटर्न्स हैं उसके बेसिस पे ये सब कुछ डिसाइड हो रहा है। तो आई रियली होप ये जो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की विजुअलाइजेशंस आपको दिखाने की, ये आपको पसंद आई एंड आपको थोड़ा और डीपर इंट्यूशन मिला कि सेल्फ अटेंशन कैसे काम करता है। और अगर आपको लगता है कि हमने टाइम वेस्ट किया तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।